बड़ा शुभ समय है, बड़ी कृपा की बात है। हरी कथा के साथ साथ संतों का दर्शन भी मिलना है, ये दुर्लभ होता है। क्योंकि संत दर्श भी बिना हरी कृपा के नहीं मिलता। अब मोए भाव रोस हनुमंता, बिनी हरी कृपा मिले नहीं संता। तालियां बजा के चले, बड़ा उत्तम समय है ये। बोली संत भगवानी की ये। जब प्रभु की असीम अनुकंपा हो जाए तब हरि चर्चा के साथ साथ संत दर्श भी मिलता है, बड़ी कृपा की बात है। हरि चर्चाएं भी और संत दर्श भी प्राप्त हो रहा है, बड़ा भाग्यशाली है आप सब लोग। एक बार स्वयं के लिए जोरदार तालियां बजा लो, अपने भाग्य के लिए कि हरि कथा भी संत दर्श भी। इधर राजा परीक्षित निवेदन कर रहे, हे भगवान, आपके मुख से नाना प्रकार के भगवान की लीलाएं श्रवण करके हमारे हृदय में शांति का वास हुआ है। मैं आपके मुख से भगवान की एक कथा और श्रवण करना चाह रहा हूँ जो आपने मुझे अभी तक नहीं सुनाई है। भगवान कन्हैया और सुदामा जी का चरित्र मैं आपके मुख से श्रवण करना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, परिचित है, तुम्हारे हृदय में बड़ी उत्तम कथा श्रवण करने की आशा जागी है, बड़ी उत्तम कथा श्रवण करने की आशा जागी है। बात उस समय की है परिचित, जब भगवान कन्हैया उज्जैन क्षेत्र में शिप्रा नदी के किनारे गुरु शांतिपन ऋषि के आश्रम में विद्या ग्रहण कर रहे थे।